वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड मैं आपका सहयोगी फ्रॉम पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर टू हिंदी के बारे में। और ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है ये है आपका दिसंबर में आया था, ये दिसंबर 2019 का पेपर है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इसमें जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये है जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, पैसेज वाले, हम वो क्वेश्चन करेंगे। और ऑलमोस्ट ये हमें काफ़ी प्रॉब्लम देता है जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, क्योंकि इतने हम नर्वस होते हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर इतने ज़्यादा हम सीरियस होते हैं कि हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं कर पाते कि जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो कौन सा है, और हम गलत लगा के आ जाते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आज हम एक बार सॉल्व करके देखेंगे और हम जो सबसे बेस्ट होगा हम उसी को ही सिलेक्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एक बार हम देख लेते हैं पहले जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है वो है परीक्षार्थी भाग फोर्थ पर्सन यानी कि प्रश्न संख्या 91 से यानी 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यानी उन्होंने भाषा एक का विकल्प हिंदी चुना हो। यानी कि जिसने लैंग्वेज वन अगर हिंदी अगर सिलेक्ट किया है तभी वो इसको सॉल्व करें, अगर वो जिनका लैंग्वेज वन इंग्लिश है तो उनके लिए हिंदी भाषा टू होगा। तो इसके वो भी हम एक अलग एक बार करेंगे, हम दूसरे जब हमारी एक न्यू वीडियो आएगी तो उसमें हम एक बार कवर करेंगे। बट अभी हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमें एक बार ये पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, तो इसको एक बार हम देखते हैं। ये पैसेज है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न यानी कि प्रश्न 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ओके, तो अभी हम पढ़ लेते हैं इसको एक बार। तो हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात तक जैसा रहे तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। आगे देखते हैं, वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती हैं। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम फर्क होता है। यानी कि ये टोटल यहाँ तक था, जो पैराग्राफ था वो स्टार्ट यहाँ से हुआ था और फिनिश यहाँ तक हुआ है। अभी आगे देख लेते हैं हम इसके क्वेश्चंस। जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है, वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण गैस मिलती है। यानी कि जब वनस्पतियाँ सड़ना शुरू हो जाती हैं तो वातावरण में क्या मिलता है? अभी हमने सिंपली पढ़ा था, उस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक। अभी जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को भी देखा था, तो इसके एक बार चारों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसका, सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए। तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। और चौथा है, वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो समान रहे, इक्वल रहे। अब उसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन है, वातावरण का विग्रह और समास होगा।
वातावरण का विग्रह और समास हमें बताना है, तो एक बार हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं। तो वात और आवरण ये होगा द्वंद्व नहीं। तो दूसरा देखते हैं वात का आवरण यानी कि वातावरण। ओके दूसरा हो सकता है बट आगे हम ऑप्शन देख लेते हैं। वात का बना ऐसा आवरण बहुविरही नहीं। अब फोर्थ है वातावरण रूपी बात कर्मधारण समास नहीं। तो इसका जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है वो है बी यानी कि वात का आवरण वातावरण और तत्पुरुष इसका समास है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वास और ऑक्सीजन शब्द है। श्वास और ऑक्सीजन क्या शब्द है? ये तद्भव है या तद्भव तत्सम है, तद्भव देशज है और देशज आगत है और तत्सम आगत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तत्सम आगत है। ये तत्सम आगत है श्वास और जो ऑक्सीजन शब्द है तत्सम आगत है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है यानी कि लंबे समय तक जो पद है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन यही दिए हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और फोर्थ है क्रिया विशेषण। संज्ञा के बारे में जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे किसी का नाम वस्तु या स्थान का होता है, अगर हो वो तब संज्ञा होती है। और सर्वनाम में होता है कि किसी भी व्यक्ति या स्थान व वस्तु के बदले या हाँ वह ये सारी चीज़ें हो, जैसे वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, तो ऐसी चीज़ें ये सर्वनाम होती है। और विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बताए। तो यहाँ पे है लंबे समय तक, ये इन तीनों में से नहीं होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा डी यानी कि ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गद्यांश का मुख्य विषय है। ये जो हमने गद्यांश पढ़ा है इसका मुख्य विषय हमें बताना है। तो अभी जो हमने गद्यांश पढ़ा था हमने देखा था इसमें जो सारी बातें हुई थी वो हमारे वातावरण से रिगार्डिंग ही हुई थी। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन की रिगार्डिंग बात हुई थी। तो इसके एक बार हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, और दूसरा ऑप्शन है इसका श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण, अच्छा, और इसका तीसरा है पौधों और प्राणियों का जीवन, और फोर्थ है इसका वसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा लर्नर्स, क्योंकि ऑब्वियसली हमने यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन के बारे में ही पढ़ा है। तो बहुत ईजी है, अगर हम एक बार पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय का अर्थ है। यहाँ पे विनिमय जो शब्द है इसका हमें अर्थ बताना है। विनिमय को इंग्लिश में स्वैप बोलते हैं। अब इसका पुराने ज़माने में बहुत यूज होता था, क्योंकि पुराने ज़माने में जब मुद्राएं नहीं चलती थी तो लोग इसी का ही विनिमय का ही उपयोग करते थे। किसी को अगर गेहूं की ज़रूरत होती तो वो धान के बदले गेहूं ले लेता था, किसी को धान चाहिए होता था तो वो गेहूं के बदले धान ले लेता था। तो वो चीज़ों का लेन देन करके ही सारा वर्क करते थे, वो विनिमय होता है। बट एक बार हम पढ़ इसके ऑप्शंस देख लेते हैं सारे ऑप्शंस क्या हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है विनिमय का अर्थ है लेना पहुंचाना नहीं, दूसरा है विनिमय का अर्थ है, दूसरा है देना और खरीदना, तीसरा है विनिमय का अर्थ लेना और देना, और चौथा है इसका आना और जाना। अभी जैसे कि मैंने आपको बात एक बात बताई कि जो पुराने ज़माने में चीज़ें होती थी, पुराने ज़माने में यही था कि वो चीज़ों के स्वैप करते थे। मान के चलिए ये मैं हूँ, ये मेरा पड़ोसी है, अब मुझे गेहूँ चाहिए तो मैं इसके घर चला जाऊँगा, और हो सकता है इसे चावल चाहिए तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो हम दोनों ने एक दूसरे से हमने लेन देन कर लिया, हमने लेन देन किया। तो जो हमने लेन देन किया है तो ऑब्वियसली विनिमय की बातें हो रही है तो लेन देन ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी यानी कि लेना देना। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है हम सांस कहाँ, हम सांस के साथ यानी कि आगे हमें बताना हम सांस के साथ क्या करते हैं। तो इसके एक बार सारे ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं, बिल्कुल नहीं। हम अगर ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे और ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करेंगे तो हम खुद मर जाएंगे और पेड़ पौधों का क्या होगा। और दूसरा है ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ओके आगे भी ऑप्शन इसके देख ही लेते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड लेते और छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं ले सकते, हम मर जाएंगे तुरंत के तुरंत। और कार्बन डाइऑक्साइड लेते और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जी नहीं, हम कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, हम हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं।
और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस पैराग्राफ का, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हमने देखा ही था कि पैराग्राफ में टोटल 9 क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो उनका जो जीवधारी है उनका अधिकांश स्वभाव कैसा रहता है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है मानव से भिन्न है, ओके, मानव के विपरीत है। तीसरा है मानव की तरह है। चौथा है विचित्र प्रकार का है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा था, हमने कई से इस टॉपिक में, एक बार हम वापस उस पर चले जाते हैं, हम खुद ही देख लेते हैं क्योंकि हमने खुद पढ़ा है तो हमें आइडिया हो जाएगा। वनस्पतियाँ इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड भस्म और ग्रीष्म को ग्रहण करती हैं। यहाँ पे देख लीजिए, दूसरे और ये रहा, दूसरी और सभी प्रकार की वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा के लंबे समय तक ऑक्सीजन और इसका अनुपात जैसा रहे, उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर। तो अभी जैसे कि अब यहीं पे देख लीजिए आप, और यहाँ पे ऐसा ही अधिकतर ये यहाँ भी देख लीजिए, हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और ऐसा ही अधिकतर जानवरों के साथ भी होता है, चिड़ियों के साथ होता है, रेंगने वाले जंतुओं के साथ भी होता है, कीड़े मकोड़े के साथ होता है। तो अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी सिंपली यही क्वेश्चन कह रहा था, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकतर जीवधारियों का स्वभाव कैसा रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो इंसानों की तरह ही तो ग्रहण कर रहे हैं ना, वो भी ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई और लास्ट तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इससे कुछ सीखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको हमारे फ्यूचर की वीडियो मिलती रहें, और हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि और भी बच्चों की हेल्प हो पाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।